Thank you so much for joining us on the show, Essen, and many, many congratulations to you on this amazing achievement. Thank you so much for having me on the show, and bahut bahut shukriya ki aap logon ne mujhe invite kiya. Thank you so much. Assalamu alaikum, Essen. It's very nice to have you on the show. I hope ke aapko humne zyada takleef nahi di hogi. I'm sure ke aapke aas paas bahut zyada media ke log ghoom rahe honge aur aapse baat karna chahte hain. तो बहुत हम खुश नसीब हैं कि आपने हमें अपना वक्त दिया. तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं. मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर आप थोड़ा सा अपना अर्ली करियर के बारे में इंट्रोडक्शन दें और हमें बताएं कि स्क्वॉश ही आपने क्यों चुना. स्क्वॉश असल में जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में स्क्वॉश को जो है एयरफोर्स देखती है और मेरे बाबा जो है वो भी एयरफोर्स में थे और मैं फिर मेरी जितनी भी जो अर्ली एजुकेशन है वो सारी मैंने एयरफोर्स स्कूल से की है. तो स्क्वॉश कोर्ट्स जो हैं वो एयरफोर्स एरिया के अंदर थे. तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि लाइक मैंने जो है स्क्वॉश वहाँ से स्टार्ट की. बाबा ने कहा लाइक आई जस्ट स्टार्टेड एज अ हेल्दी एक्टिविटी. तो फिर उसके बाद लाइक मुझे पता नहीं था कि आई विल एंड अप बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर. तो मैं 9 साल का था जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की थी. एक्सेलेंट एसन, एंड आई मस्ट क्रेडिट यू जिस तरह आपने मेहनत करके ऊपर पहुंचे. और ऑब्वियसली हर कामयाबी के साथ स्ट्रगल्स होती हैं. स्पेशली आपके इंजरी स्ट्रगल्स रिसेंटली ज़्यादा रहे, लेकिन ये काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है कि इंजरी के बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे. उसके बाद आपने माशाल्लाह 5 टाइटल्स जीते. और मैं नाज़रीन को बताऊं, जिस तरह एसन ने सेमीफाइनल में कम बैक किया, वो 2 गेम्स से जो है हार रहे थे मलेशिया के हरीफ के बाद, लेकिन उन्होंने यक तरफा 3 गेम्स हरा के जिस तरह सेमीफाइनल अपने नाम किया है, इससे वाकई में पता चलता है कि उनकी काफ़ी मोटिवेशन है दैट ड्राइव्स हिम टुवर्ड्स स्क्वॉश. तो एसन, आप बताएंगे कि व्हाट वाज एक्चुअली दैट motivation that actually you know drove you to come back from injury, or jis tarah aapne mashallah semi final mein come back kiya. ji sabse pehle to main allah taala ka jo hai lakh lakh shukr ada karta hu ki unhone jo hai like mujhe is title se nawaza yahan pe us mein. well is event ke liye jo hai main takriban kuch 4 mahine se kafi like day in and day out jo hai meri hard work jo hai wo jari thi. और मैं डेली बेसिस पे लाइक 2-2 सेशंस जो है लाइक ट्रेनिंग के मेरे चल रहे थे. मेरा थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट जो है सेमीफाइनल जो है वाकई में एक मलेशियन प्लेयर के साथ लाइक काफ़ी टफ रहा है. और मैं 2 सेट्स डाउन था और उसके बाद 10-9 मैच बॉल डाउन था. इफ़ आई वुड हैव लूज 1 पॉइंट मैं टूर्नामेंट से बाहर था. Wow. तो वो पॉइंट लेके और वो गेम somehow I won that game. फिर उसके बाद जब मैं बाहर आया तो I was like I need to change the plan, क्योंकि मेरे एक प्रोफेशनल प्लेयर जब भी कोर्ट में जाता है तो देर मस्ट बी लाइक यू नो प्लान ए और प्लान बी. अगर आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा तो आपको लाइक स्विच करना है कि मतलब किसी ना किसी तरीके से लाइक मैं अपने प्लान बी पे जाऊं इफ इट्स वर्किंग ऑन नॉट. तो जब मैंने प्लान बी स्टार्ट किया तब मुझे थोड़ा सा पता लगा कि हाँ लाइक अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ, बट आई नीड टू डू एन एक्स्ट्रा पुश. तो उसके बाद जो है फिर लाइक मैं 3rd गेम जीता एंड देन 4th एंड 5th गेम अल्हम्दुलिल्लाह. एब्सोल्युटली अमेजिंग एसन, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. एक्चुअली दैट रिमाइंड्स मी, एक दफा मैं विंबलडन का फाइनल नोवाक जोकोविच चैंपियनशिप फेडरर के अगेंस्ट उनका फाइनल था और फेडरर चैंपियनशिप पॉइंट पे थे और जोकोविच ने वो चैंपियनशिप पॉइंट डिफेंड किया और उसके बाद उन्होंने पूरा विंबलडन फाइनल अपने नाम कर लिया. सो दैट एक्चुअली योर स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ दैट एंड आई ट्रूली यू नो अप्रिशिएट यू फॉर व्हाट यू डिड. बिल्कुल एसन, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा रेजिलियंस से काम लिया है और एक स्ट्रेटेजिक एथलेटिकशिप स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है. तो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाह रही थी कि आपको पता होगा पैडल टेनिस काफ़ी मशहूर हो रहा था रिसेंटली और काफ़ी लोगों का रुझान पैडल की तरफ जा रहा था, लेकिन अब आपकी इस जीत के बाद दोबारा लोगों ने स्क्वॉश की बातें करना शुरू कर दी हैं. तो आपको लगता है कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2024 में हमें स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी अचीवमेंट्स मिली हैं एज अ कंट्री, अरशद नदीम को भी गोल्ड मेडल मिला है और आपने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, तो आपको लगता है कि क्या स्पोर्ट्स की पाकिस्तान में वापसी जो है अब होगी और क्रिकेट से हटके भी लोग अदर रैकेट स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल. लाइक अभी जो है लाइक मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है अदर देन क्रिकेट जो है काफ़ी रिजल्ट्स आ रहे हैं.
और मैं खुद अभी कल जो है, जैसे कि आप लोगों ने मेंशन किया, मैं कल इंडिया के हैरियत को जो है मतलब फाइनल में मैं जीता हूँ 3-1 से। और ये है कि मतलब रैकेट स्पोर्ट्स जो है मतलब ऑब्वियसली अदर देन क्रिकेट, अगर हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पे ध्यान दें तो आई मीन वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। एब्सोल्युटली तो ये है कि मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है लाइक बाकी प्लेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आई मीन आई हैव सीन कि जैसे अरशद को जो है लाइक उन्होंने लाइक माशाल्लाह से, आई मीन आई रियली रिस्पेक्ट हिम, लाइक आई नो हिम वेरी वेल, माशाल्लाह से जैसे अरशद को सपोर्ट किया है, तो अगर इस तरह बाकी एथलीट्स को भी, डिफरेंट स्पोर्ट्स के एथलीट्स को, इट्स नॉट अबाउट ओनली अ रैकेट स्पोर्ट्स, बट अगर जितना भी टैलेंट हमारे पाकिस्तान में है मतलब अगर उनको अदर देन क्रिकेट उनको सपोर्ट किया जाए, तो प्रॉबेबली हमारे ओलंपिक्स में एक नहीं बल्कि बहुत सारे मेडल्स आ बिल्कुल सकते हैं। तो बिल्कुल अभी ऐसा 2028 एले ओलंपिक्स में जो है, इनशाला उम्मीद है कि मतलब इनशाला मैं उसकी प्रिपरेशन अभी जा रही है, तो होपफुली अमेजिंग इनशाला। बिल्कुल एहसन, बहुत मुबारक हो आपको अपनी जीत पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ओलंपिक विक्ट्री भी पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।